तो एग्ज़ाम्पल के लिए हमने जो आपके पास डेटा फाइल है सर्वे डॉट एस ए वी एस पी एस एस डेटा फाइल अवेलेबल है वैसे आपको इस नोट्स के साथ भी मिल जाएगी आप उसको ऑनलाइन डाउनलोड भी कर सकते हैं लिंक मैंने इसी स्लाइड के नीचे उसका शेयर किया हुआ है इसी में से हम वेरिएबल्स लेंगे सबसे पहले हमारा रिसर्च क्वेश्चन क्या है हमारे हाइपोथोसिस क्या है और उसके बाद हम मैनविटनी रन करेंगे सो so, हमारा रिसर्च क्वेश्चन है कि डू मेल्स एंड फ़ीमेल्स डिफर इन टर्म्स ऑफ देयर लेवल्स ऑफ सेल्फ इस्टीम या हम क्वेश्चन इस तरह भी कर सकते हैं कि डू मेल्स हैव हायर लेवल ऑफ सेल्फ इस्टीम एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स तो हमारे दो वेरिएबल्स कौन से हैं एक हमारा जेंडर है और दूसरा हमारा सेल्फ़ इस्टीम है बिल्कुल उसी तरह जैसा हमने टी टेस्ट आम रन किया था सेल्फ़ इस्टीम वहाँ पर हमारा इंटरवल स्केल वेरिएबल था कंटिन्यूस क्वान्टिटेटिव वेरिएबल था लेकिन जहाँ पे पैरामेट्रिक एग्जाम्शन फुलफिल ना होने की वजह से वी विल रन टू मैन विटनी यू टेस्ट सो टू रन दिस टेस्ट इन एस पी एस एस वी नीड टू वेरिएबल्स वन केटगोरिकल वेरिएबल जो जेंडर है मेल फीमेल है और वन कंटिन्यूस वेरिएबल जो कि हमारा सेल्फ एस्टीम है ये मैंने आगे वो सारा ट्यूटोरियल दिया हुआ है लेकिन लेट्स गो बैक टू एस पी एस एस एंड सॉल्व दिसर तो सर्वे डेटा फाइल हमारी ये वाली है और इसमें से हमारे पास एक वेरिएबल है जेंडर जहाँ पे इधर इसको सेक्स कहा गया है जेंडर का वेरिएबल जिसमें हमने ऑलरेडी वन मेल को दिया हुआ है टू फीमेल्स को दिया हुआ है और दूसरा हमारा वेरिएबल है टोटल सेल्फ इस्टीम और हम चेक करना चाह रहे हैं कि अगर हमारे पास नॉन पैरामेट्रिक में जाके हमें मानवटनी रन करना पड़े तो कैसे करेंगे सो दिस इज़ द टोटल सेल्फ इस्टीम टी एस आई एफ ई एस टी वेरिएबल है सो वी विल गो टू एनालाइज एंड दैन वी विल गो टू नॉन पैरामेट्रिक एंड वी विल गो टू लेगेसी डायलॉग एंड देन नॉन पैरामेट्रिक के अंदर हमारे पास टू इंडिपेंडेंट सैम्पल वाली जो है जो हमने कहा कि चूंकि ये सबस्टिट्यूट या फिर अल्टरनेटिव टू टी टेस्ट इंडिपेंडेंट सैम्पल्स हैं तो हम इसको चेक कर लेंगे इसके अंदर हमने टोटल सेल्फ स्टीम को अपने टेस्ट वेरिएबल में भेज दिया और साथ में हमने जो ग्रुपिंग वेरिएबल है जो जेंडर है उसको हमने इधर कर दिया अब डिफ़ाइन ग्रुप्स में हमें बताना पड़ेगा कि वन इज़ वन यानी मेल एंड टू इज़ फीमेल सो वन और वन हमने टाइप कर दिया और यहाँ पे ऑलरेडी देखें उसने मान विटनी चेक किया हुआ है क्योंकि हमने उसको नॉन पैरामेट्रिक में जाके टू इंडिपेंडेंट सैंपल के दरमियान डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए कहा है इसलिए हमें वो ऑलरेडी चेकड है ऑप्शनस में जाके आप डिस्क्रिप्टिव क्वार्टाइल्स कर सकते हैं बट अभी हमें ज़रूरत नहीं है सो लेट्स कीप इट सिंपल हिट ओके बटन एंड सी वॉट इट गिव यू द आउटपुट सो इसके अंदर ये हमारे पास पहले तो सबसे पहले वो रैंक्स में कन्वर्ट करता है और मेल्स और फीमेल्स के मीन रैंक्स देता है सो so, इसके अंदर एन दिया हुआ है आपको मेल्स का और फीमेल्स का और फिर आपको उसके मीन रैंक्स दिए हुए हैं और फिर सम ऑफ रैंक्स दिए हुए हैं यानी आपके डेटा में टोटल हमारे अगर फोर थर्टी सिक्स हैं तो किस तरह से उसने उनको रैंक किया हुआ है और ये मेनली हमारे पास मैन विटनी टेस्ट की वैल्यू है जो कि हम मैनुअली भी कैलकुलेट कर सकते हैं लेकिन इट्स ईजियर एंड सिंपल तो हमारे पास टू वन फाइव नाइन फोर यानी ट्वेंटी वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड नाइन्टी फोर हमारी मैनिंग की वैल्यू है और हमारे पास जो सिग्निफिकेंस है वो है पॉइंट टू टू सो पॉइंट टू टू का मतलब है कि द वैल्यू इज़ लेस देन वैल्यू इज़ ग्रेटर देन पॉइंट ज़ीरो फाइव तो इसका मतलब हुआ कि जब हमारी पी वैल्यू ग्रेटर है पॉइंट ज़ीरो फाइव से तो हमारे रिजल्ट सिग्निफिकेंट नहीं है और अगर ये सिग्निफिकेंट नहीं है तो इसका मतलब है कि वी फेल टू रिजेक्ट द नल नालाइपसिस एक और बात जो इस टेबल में इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें इफेक्ट साइज नहीं देते और हमने कैलकुलेट करना होता है तो इसमें हमें जी की वैल्यू देता है ये और जी ये वही स्टैंडर्डाइज जी वैल्यू टेस्ट वैल्यू है जो कि माइनस वन पॉइंट टू टू है सो so, हम इसके साथ अफेक्ट साइज़ का आइडिया कर सकते हैं सो इफ़ वी डिवाइड जी वैल्यू विद द एन अंडर रूट तो हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं सो लेट्स गो बैक टू हमारी जो पावर पॉइंट की स्लाइड्स हैं जिसमें मैंने ये ट्यूटोरियल वन बाय वन सारा एक्सप्लेन किया हुआ है वी विल गो बैक टू दैट एंड हम उसमें देखते हैं कि कैसे हमने किया और हमने इफ़ेक्ट साइज़ कैसे कैलकुलेट किया है so सो हमने ऐसे ही एनाल में गए नॉन पैरामेट्रिक में लेगेसी डायलॉग में और फिर हमने टू इंडिपेंडेंट सैंपल्स सेलेक्ट सिलेक्ट किया हमने टेस्ट वेरिएबल टोटल सेल्फ एस्टीम और ग्रुपिंग वेरिएबल जेंडर को सेंड आउट किया विटनी सेलेक्ट किया ओके बटन रन किया और ये हमारे पास आउटपुट्स आ गए और इसके अंदर हमारे पास विटनी की वैल्यू जो है वो ट्वेंटी वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड नाइन्टी फोर है जबकि हमारी पी वैल्यू जो है वो सिग्निफिकेंट नहीं है विंट तो टू, टू टू हम कह सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ़ सेल्फ इस्टीम स्कोर इज सेम अक्रॉस बोथ कैटेगरीज ऑफ जेंडर यानी कि दो ग्रुप्स के अंदर डिफरेंस नहीं है इन टर्म्स ऑफ सेल्फ इस्टीम दूसरी जो मैंने आपको बात की थी इफेक्ट साइज़ कैलकुलेट करने की कि हम जी की वैल्यू जो हमारे पास स्टैंडरडाइज टेस्ट स्टेटिस्टिक दिया हुआ है इसको अगर हम डिवाइड करें एन अंडर रूट के साथ तो हम उसकी इफेक्ट साइज के बारे में आइडिया कर सकते हैं सो इफ वी डिवाइड द Z वैल्यू ऑफ माइनस 1.23 इसको राउंड कर दें और n हमारा जो है वो 436 है सो वी टेक अ स्क्वायर रूट ऑफ n वी डिवाइडेड तो हमारे पास वैल्यू आती है 0.06, सो so 0.06 जो है वेरी स्मॉल इफेक्ट साइज़ है जैसे हमने कोन की बात की थी इफेक्ट साइज जब हमने पढ़ा तो वी टॉक्ड अबाउट के 0.1 और उससे स्मॉलर जो है वो स्मॉल इफेक्ट है 0.3 तक जो हमारा है मीडियम है और 0.5 और उससे ऊपर जो हमारा है वो लार्जर इफेक्ट साइज है सो इन यू टेस्ट, वी कैन गेट एन आइडिया ऑफ द इफेक्ट साइज एज वेल बाय डिवाइडिंग द स्टैंडर्डाइज जी वैल्यू एन अंडर रूट के साथ डिवाइड करके तो हमने रिपोर्ट कैसे करना मानविटनी को वी विल बी रिपोर्टिंग एक्जैक्टली लाइक दिस के द रिजल्ट रिवील सिग्नीफिकेंट नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन द सेल्फ एस्टीम लेवल ऑफ मेल्स मेन रैंक जो है उसका टू ट्वेंटी सेवन है और एन इज़ वन एटी फोर एंड फीमेल मीन रैंक जो है वो हमारा टू वन टू पॉइंट नाइन और एन हमारा जो है वो टू फिफ्टी टू है मानविटनी यू की वैल्यू ट्वेंटी वन थाउजेंड फाइव नाइन्टी फोर है जी इज़ माइनस वन पॉइंट टू थ्री एन पी इज़ पॉइंट टू टू और आर यानी इफेक्ट साइज इज़ पॉइंट जीरो सिक्स सो वी विल बी रिपोर्टिंग एवरेज मीन रैंक वैल्यू फॉर मेल मीन रैंक वैल्यू फॉर फीमेल मानविटनी की कैलकुलेटेड वैल्यू उसकी पी वैल्यू और फिर जी की वैल्यू एंड देन फाइनली इफेक्ट साइज़ यानी आर की वैल्यू विच इज़ पॉइंट जीरो सिक्स सो यू कैन कीप दिस स्लाइड एज रेफरेंस वैन एवर यू आर यूजिंग मानविटनी यू टेस्ट यू विल बी रिपोर्टिंग द रिजल्ट इन दिस वे